अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट वन आईसीएस पार्ट वन चैप्टर नंबर थ्री मोशन एंड फोर्स का अनदर टॉपिक जो है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। इसमें हम मोमेंटम और न्यूटन के सेकेंड लॉ का ताल्लुक देखेंगे, किस तरह से मोमेंटम और न्यूटन के सेकेंड लॉ का ताल्लुक है जिसमें फोर्स को डिस्क्राइब किया गया है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं मोमेंटम की जानिब। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम न्यूटन के लॉज बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। मोमेंटम क्या है, नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर थ्री में भी जिक्र हुआ था और यहां भी जिक्र हो रहा है, डिटेल के साथ इसे समझते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ये एक बॉडी है जिसके पास मैस है, आप देख सकते हैं मार्कर है। इसके पास अगर आप जानना चाहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, ये किसी चीज से टकराएगी तो कितना डेंजरस होगी, कितना नुकसान पहुंचाएगी, कितना इसे रोकना मुश्किल होगा, कितना इसे मूव करवाना मुश्किल होगा, कैसे इसे स्लो को फास्ट करना मुश्किल होगा, कैसे इसे तेज रफ्तार आती को रोकना मुश्किल होगा, तो वो हमें इसका मोमेंटम बताएगा। जी हाँ, मोमेंटम क्या है, इसका मैस मेजर कर लीजिए फिजिकल बैलेंस के साथ, किसी भी लिवर बैलेंस के साथ, और जितनी रफ्तार से ये मूव कर रहा है, जितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा, इस वक्त ये रेस्ट में है, मेरे हाथ में है, वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो, मोमेंटम जीरो। मोमेंटम बॉडीज के पास आता ही कब है, जब वो मोशन करना स्टार्ट करती हैं। हर बॉडी जिसके पास मैस मौजूद है, जब वो मोशन करना स्टार्ट कर दे, मार्कर, कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपके इर्द गिर्द बहन भाई, आप खुद जब मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास एक क्वांटिटी आ जाती है जो आपको क्या जी, कोलाइजन, जब आपका किसी खुदा ना खासा किसी चीज से टकराव होगा तो डेंजरस बनाएगी। इसकी मिसालें भी आगे देखते हैं। सो क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी बॉडी के पास कितनी है वो उसके मैस और वेलोसिटी से पता चलेगी। सिंपल सी डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। जब भी किसी बॉडी के पास ये दो चीजें मौजूद हैं, मैस तो हर बॉडी के पास होता है, जी हाँ, टाइनी से टाइनी, बड़ी से बड़ी बॉडी के पास मैस तो हर लम्हे मौजूद है, वेलोसिटी आने की देर है, मोशन करना उसकी देर है, मोशन करना स्टार्ट कर दे वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी जब आ जाए तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो चीज आपको हासिल होगी एक नई क्वांटिटी हासिल होगी जिसे मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम मिसाल के तौर पर एक ट्रक है, मैस इसका बहुत मैसिव है, हम जानते हैं 4000-10000 केजी इसका मैस होगा, हैवी है बहुत ज्यादा, बड़े आराम से जा रहा है, मैसिव मैस है इसके पास, बहुत आराम से भी जा रहा हो तो रास्ते में आने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिलें या खुदा न खास्ता कोई लोग भी इसके रास्ते में आएंगे तो ये डेंजरस है, नुकसान पहुंचा सकता है। मैसिव मैस किस चीज ने इसे मजीद डेंजरस बना दिया, इसकी वेलोसिटी ने, मैस और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हुए तो नतीजा आपके सामने, रास्ते में आने वाली गाड़ियां, और यही ट्रक यही गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही हो तो बहुत डेंजरस है, जिस बॉडी से टकराएगी अपना सारा मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर देगी, नतीजा आप जानते हैं। स्नूकर के टेबल पर आपने देखा होगा, हम वाइट बॉल को हिट करते हैं, मोमेंटम दे के भेजते हैं, वो आगे सारे बॉल्स को टेबल पर बड़े डिस्टर्ब कर देता है। सो मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो उसे डेंजरस बनाएगा और नतीजा रास्ते में आने वाली चीजों से कोलिजन। ऐसे ही गन एंड बुलेट, आप गन को फायर करें बुलेट निकलेगी, टाइनी सी बुलेट को कौन सी चीज डेंजरस बनाती है, हाथ में पकड़ी गोली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, हाथ में पकड़ा कंकर रेस्ट में है कोई मसला नहीं है, लेकिन उसी कंकर को बड़ी तेजी से किसी की तरफ फेंका जाए, जैसा कि गन में गोली को डाल के फेंका जाए, तो ये किसी की जान भी ले सकती है, ये बहुत डेंजरस भी है। सो कौन सी चीज ने इसे डेंजरस बनाया, इसका मैस तो बहुत टाइनी सा था लेकिन मैस को जब वेलोसिटी मिली तो ये चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई हुई, एक और एक 11 वाला सीन, सो मैस के साथ जब वेलोसिटी मल्टीप्लाई हुई एक नई चीज हासिल हुई, दैट इज मोमेंटम, जिससे मुझे पता चलेगा इसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है और जब किसी से कोलाइड करेगी तो कितना मोशन कितनी ट्रांसफर करेगी, क्या नुकसान पहुंचाएगी, वो हमें कहां से पता चलेगा, उसके उस बॉडी के मोमेंटम से पता चलेगा। सो ये है डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम और मल्टीपल एग्जाम्पल्स, मल्टीपल एग्जाम्पल, रॉकेट जब जमीन से उठता है तो आप जानते
इनिशियली उसका मोमेंटम बहुत थोड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता उसका मोमेंटम बढ़ता चला जाता है, आप देखते हैं उसके पास मोमेंटम मैसिव, क्योंकि ग्रेविटी से जैसे जैसे दूर जाएगा, तो इसका मतलब ये पता चला मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, हियर मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए देख लेते हैं इसका यूनिट क्या है। प्यारे बच्चों इसका यूनिट, मैस का यूनिट सभी लोग जानते हैं केजी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, सो यूनिट क्या आ जाएगा इसका, केजी मीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड भी इसका यूनिट है, न्यूटन सेकेंड। कैसे बनता है न्यूटन सेकेंड, ये भी ई कैट एमडी कैट के पेपर्स में आता है, कॉन्सेप्चुअल सवालात इस दफा आने हैं बोर्ड में, उसमें आ सकता है। तो आइए मैं आपको केजी मीटर पर सेकेंड कैसे न्यूटन सेकेंड के बराबर है वो साबित करना सिखा देता हूं। देखिए हमें, हमने मैथ पढ़ा है, हमें अगर एक चीज की जरूरत हो तो हम उसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, पर सेकंड से मल्टीप्लाई पर सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, इससे क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, केजी मीटर सेकंड की पावर माइनस टू, और ये पर सेकंड ऊपर आकर वैसे ऐसे लिखा जाएगा। ये चीज क्या है, ये देखी देखी लगती है, दिस इज न्यूटन, ये तो न्यूटन है फोर्स का यूनिट, सो इसकी जगह न्यूटन और सेकंड साथ में वैसा क्या वैसा। इसी वजह से मोमेंटम के जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, और इसे न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। सो 10 न्यूटन सेकंड, 20 न्यूटन सेकंड, 50 न्यूटन सेकंड या 10 केजी मीटर पर सेकंड, तो समझ जाएंगे आप मोमेंटम की बात हो रही है। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, आप खुद देख लीजिए, मैस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, जहां भी ले जाएं इसकी कोई सिमत नहीं है। सो मैस इज अ स्केलर, जबकि वेलोसिटी जिस तरफ बॉडी जा रही है उसी तरफ इसकी सिमत होती है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, इनके प्रोडक्ट के नतीजे में जो क्वांटिटी आएगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर, सो एज मोमेंटम, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट से हासिल हो रही है स्केलर और वेक्टर के, रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन क्या है, चैप्टर वन में डायमेंशन आपने पढ़ी है। सो मैस और वेलोसिटी, मैस की डायमेंशन सब लोग जानते हैं कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट डाली जाती है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, इनको कंबाइन कीजिए, सो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम विल बी एम एल टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। एमसीक्यू आ सकता है, यूनिट भी स्केलर वेक्टर क्या है, प्रोडक्ट किस किस चीज का है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अब आते हैं बेटे लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब, जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मोमेंटम और न्यूटन के सेकेंड लॉ का क्या ताल्लुक है, रिलेशन बनाते हैं मोमेंटम और न्यूटन के सेकेंड लॉ का। सबसे पहले स्टेटमेंट बता देता हूं, फिर आप देखेंगे सारा कुछ करने के बाद यही रिजल्ट हमारे पास आएगा, वो क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है वो फोर्स क्या करती है, उस बॉडी का मोमेंटम चेंज कर देती है, और ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जब भी आप किसी बॉडी पर आराम से जा रहे हैं, रेस पर पांव रखेंगे तो आप देखेंगे उसका मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज करने वाली कौन सी चीज है, फोर्स, जी हाँ। तो यही है मोमेंटम और न्यूटन के सेकेंड लॉ का ताल्लुक, न्यूटन के सेकेंड लॉ में कौन सी चीज थी, फोर्स, जी हाँ फोर्स का जिक्र था, तो फोर्स जब भी किसी बॉडी पर लगेगी तो उसका मोमेंटम चेंज कर देगी। आइए देखते हैं यही हमारा रिजल्ट निकलेगा आज के टॉपिक का। इसमें आपने कंसीडर क्या करना है, फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है, आप लफ्ज बॉडी लिखेंगे, मैं यहां पर एक कार ले लेता हूं, इसका मैस एम है, वेलोसिटी वीआई से जा रही थी, 20 की रफ्तार से आप जा रहे थे मजे से, फिर आपने रेस पर पांव रखा, रेस पर क्या लगानी पड़ती है, फोर्स, रेस पर पांव रख के क्या लगाई आपने, फोर्स, फोर्स के लगने से आप जानते क्या होगा, फोर्स के अप्लाई होने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, 20 से 25 या 30 पर चलेगी वेलोसिटी, इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा क्या लगा, टाइम, आप मीटर पे देखने अब वेलोसिटी क्या शो हो रही है जी, अब 20 की बजाय 25, तो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट कर लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड थी, कुछ ही देर बाद ये वेलोसिटी 30 या 25, 30 कर लेते हैं 30 मीटर, टाइम फर्स्ट कर लें इसमें 2 सेकंड लगे, और ये सारा काम किसने किया, फोर्स ने, फोर्स ना लगाते तो क्या होता, गाड़ी 20 की रफ्तार से जा रही है 20 से जाती रहती। सो हम यहां देखना चाह रहे हैं फोर्स ने क्या किया, फोर्स ने वेलोसिटी चेंज कर दी, मैस चेंज नहीं हुआ, गाड़ी का मैस जो पहले था 1000 केजी, 2000 केजी की कार थी, तो मैस बाद में भी उतना ही है, क्या चीज चेंज हुई है, वेलोसिटी वीआई से वीएफ, 20 से 30, इस दौरान क्या लगा, टाइम, किसने ये सारा कारनामा किया, फोर्स ने, तो फोर्स ने इसका मतलब क्या पैदा कर दिया, एक्सेलरेशन, कैसे एक्सेलरेशन,
हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगे, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ में जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी वो फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करेगी, स्लो बॉडी को फास्ट कर देगी। ये फोर्स का कमाल है। तो फोर्स ने इसकी वेलोसिटी वीआई से कहां पहुंचा दी, वीएफ। तो इसका मतलब फोर्स ने क्या पैदा कर दिया, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है क्या, आप कहां, चैप्टर टू में, एक्सेलरेशन चैप्टर थ्री इसी में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो हेड डाला हुआ है, किताब में उसने बोल्ड किया होगा। अगर आप बोल्ड करके लिखना चाहते हैं तो आप मार्कर का इस्तेमाल करें, इसको मार्कर से, इसको मार्कर के साथ, इसको मार्कर के साथ, और इसे आम पेंसिल से लिखें, वो भी वेक्टर की निशानी है। ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप इनके ऊपर एरो हेड डाल दें ताकि ये वेक्टर और स्केलर में फर्क रहे। एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और टाइम वेक्टर, क्या है एक्सेलरेशन की तरीफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये किसने सारा काम किया, फोर्स ने, जी हाँ। अब इसी एक्सेलरेशन का रिलेशन न्यूटन के सेकंड लॉ से बताइए, वो क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। लग रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ, जी हाँ, जब भी फोर्स लगेगी तो न्यूटन का सेकंड लॉ आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। रीअरेंज कीजिए, ए यही रह जाएगा, एम इधर आके डिवाइड, तो ए का रिलेशन क्या बन गया, एफ ओवर एम। यहां फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर है, मैस स्केलर है, फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर है, मैस स्केलर है। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन चाहिए था, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बन गया, ये भी एक्सेलरेशन का, ये भी एक्सेलरेशन का। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इनको इक्वेट कर दीजिए। दोनों की लेफ्ट साइड पर आपको क्या नजर आ रहा है, ए ए नजर आ रहा है। इक्वेट करने से क्या होगा, मतलब ये वैल्यू उठा के यहां तो यहां रख दें, या इनकी लेफ्ट साइड इक्वेट करेंगे तो राइट साइड भी इक्वेट होंगी, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं। या मैं ऐसे करता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन, या इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन टू, जिसमें आपको लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेशन नजर आ रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए ए बराबर हो जाएंगे, और एफ ओवर एम किसके बराबर आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो एफ ओवर एम किसके बराबर, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। लेफ्ट साइड बराबर है तो ऑफ कोर्स राइट साइड भी इन इक्वेशंस की बराबर होंगी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इनको आप लोग जानते, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से जो डिवाइड हो रहा है इस तरफ मल्टीप्लाई, यहां जो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, एफ क्रॉस टी, यहां से m उधर जाके मल्टीप्लाई, तो m इंटू वी एफ माइनस वी आई। ब्रैकेट को खोलिए तो आप देखेंगे f वेक्टर, टाइम स्केलर, मैस स्केलर, एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये चीजें देखी लग रही हैं। ये क्या है बच्चों, एम वी एफ एम वी आई, अभी पीछे बताया प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी मोमेंटम है। तो एम वी एफ क्या चीज है फिर, ये मैंने लिखा भी हुआ है अलहदा से, एम वी एफ है फाइनल मोमेंटम। ये देख लीजिए, जब ये बॉडी यहां पर पहुंची थी इसका फाइनल मोमेंटम एम वी एफ था, और एम वी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम, जब मजे से बॉडी जा रही थी, जब स्टार्टिंग का मोमेंटम था, फोर्स नहीं लग रही थी, इनिशियल मोमेंटम ये है। मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें पहले, मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें बाद में, तो ये आपके पास मोमेंटम। फर्ज करें 1000 केजी गाड़ी का मैस है तो मल्टीप्लाई बाय 30,000 न्यूटन सेकंड इसका मोमेंटम बाद में। गाड़ी की वेलोसिटी पहले 20 है, मैस पहले भी 1000 है, तो क्या आएगा 20,000 केजी मीटर पर सेकंड, या 20,000 न्यूटन सेकंड। ये मोमेंटम पहले था, ये मोमेंटम बाद में आ गया, चेंज आया। ये सारा कारनामा किसने किया, फोर्स ने। तो देख लीजिए, ये आपके पास एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर थ्री बन गई। इक्वेशन नंबर थ्री क्या बताती है कि चेंज इन मोमेंटम, ये देखिए प्यारे बच्चों, राइट साइड पर आपको क्या नजर आ रहा है, एम वी एफ माइनस एम वी आई। क्या मतलब है, दो वैल्यूज के दरमियान माइनस का मतलब होता है चेंज, तो किसमें चेंज आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम में चेंज आया है, इनिशियल मोमेंटम में चेंज आया है, और इनिशियल मोमेंटम चेंज होकर फाइनल बन गया है। तो दोनों में कितना चेंज आया, किसकी वजह से आया, ऑफ कोर्स फोर्स की वजह से। तो चेंज इन मोमेंटम, इसी इक्वेशन को अगर मैं वर्डिंग में लिखूं तो क्या लिखूंगा, द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंटम में जो चेंज है, मोमेंटम में जो चेंज है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम। कौन सा टाइम, जितनी देर तक फोर्स लगी, जितनी देर तक आपने रेस पर पांव रखा, उस फोर्स ने जो जितनी देर तक लगी उसने मोमेंटम चेंज कर दिया, मोमेंटम चेंज कर दिया। ये रेस्ट में थी, मैं इस पर फोर्स लगाऊं, जितनी देर तक फोर्स लगाऊंगा उस फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, पता चल जाएगा इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया। पहले रेस्ट में थी, मूव करना शुरू होगी, मोमेंटम में चेंज, इसका मतलब किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये ज्यादा बेहतर फॉर्म है न्यूटन के सेकंड लॉ की।
दिस इज द मोर जनरल फॉर्म आर ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड लॉ एफ इजिकल टू एम ए है, उसकी ज्यादा बेहतर फॉर्म नीचे भी इस एक्सप्रेशन को न्यूटन का सेकेंड लॉ कहेंगे. सो ये जो एक्सप्रेशन एफ क्रॉस टी है, इसके जरिए हम क्या पता चला सकते हैं मुख्तलिफ बॉडीज के जहां मैसेज का डिफरेंस आ रहा हो. मिसाल के तौर पर रॉकेट है, तो आप जानते हैं रॉकेट, जब रॉकेट के अंदर मैसिव फ्यूल होता है, इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन, तो रॉकेट के अंदर मैसिव फ्यूल होता है जो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाता है. सो स्टार्टिंग के अंदर आप गौर करें तो उसका मैसिव फ्यूल यानी मैसिव मास और वेलोसिटी बहुत थोड़ी है. इसका मतलब हम चाहते हैं कि वेलोसिटी में कितनी वेरिएशन आ रही है, मास कितना चेंज हो रहा है. आप देखेंगे जैसे जैसे रॉकेट जमीन से उठेगा उसका मास कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाएगा. सो मास में चेंज आ रहा है. सो अगर आप एक ऐसा रिलेशन न्यूटन के सेकंड लॉ का चाहते हो जिसमें मास की वेरिएशन वेलोसिटी की वेरिएशन आए, तो न्यूटन के सेकंड लॉ को इस शक्ल में लिखने की बजाय इस शक्ल में लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, समझना आसान होगा, या इस फॉर्म में लिखा जाए ज्यादा बेहतर होगी. इस स्टेट को, ये जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म. क्या किया मैंने, टाइम को नीचे भेज दिया. तो ये स्टेटमेंट है न्यूटन के सेकंड लॉ की, इसे पढ़ के देखिए. क्या पढ़ेंगे आप इसे, रेट ऑफ या इसे टाइम रेट ऑफ चेंज, दो वैल्यूज के दरमियान, दो कीमतों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान माइनस साइन को चेंज पढ़ा जाता है. सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स. ये सारा कारनामा फोर्स ने किया है. अगर आप चाहते हैं कि फोर्स कितना मोमेंटम चेंज करेगी किसी बॉडी का, कम मोमेंटम को ज्यादा करेगी या ज्यादा मोमेंटम को कम करेगी, तो आप इस तरह से न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करेंगे. ज्यादा जनरल फॉर्म है, ज्यादा जगह यूज होती है न्यूटन की ये सेकंड लॉ की फॉर्म. न्यूटन के सेकंड लॉ की फॉर्म एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई. दिस इक्वेशन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. तो जितनी बॉडीज जो मोशन कर रही हैं, जिनके मैसेज में भी चेंज आता है, लाइक रॉकेट, लाइक मुख्तलिफ चीजें, आप जानते फायर क्रैकर्स हैं, मुख्तलिफ एक्सप्लोजिव मटीरियल्स हैं, मुख्तलिफ चीजें जिनके मैसेज में भी चेंज आएगा. गाड़ी ऑफकोर्स, उसके फ्यूल की बात की जाए तो फ्यूल आप जानते हैं उसका चेंज हो रहा है. इसी तरह से मुख्तलिफ बॉडीज जहां उनके मैसेज में भी चेंज आए, वेलोसिटी भी कम से ज्यादा हो रही हो, तब आप ये रिलेशन यूज करेंगे जो न्यूटन के सेकेंड लॉ की ज्यादा जनरल फॉर्म है, बजाय के एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ वैक्टर ए वैक्टर, दैट इज वाई हमने उनके ऊपर एरो हेड डाले. सो ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. ये देखिए क्यों से कह रहा हूं सेकंड लॉ, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पर क्या है, फोर्स. तो न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स ही को एक्सप्लेन किया जाता है. फोर्स इज इक्वल टू एम ए पढ़ा था हमने, और यहां फोर्स किसके बराबर आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स जब भी किसी बॉडी पर लगेगी, जी हाँ, कुछ करेगी, क्या करेगी, इसका मोमेंटम चेंज कर देगी. स्लो है तो फास्ट कर देगी, फास्ट है तो स्लो कर देगी, और ये जो चेंज आएगा ऑफ कोर्स किसी वक्त के लिहाज से होगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए डिनोमिनेटर में टाइम है. ऑफ कोर्स टाइम के बगैर तो मुमकिन नहीं है ना किसी बॉडी में चेंज लेके आना, टाइम तो चाहिए. आप बिगड़ गए हैं तो आपको भी चेंज करना, तो टाइम चाहिए घर वालों को, आप ठीक है, चेंज चाहिए किसी भी बॉडी में, किसी भी उसके मोमेंटम में चेंज लाने के लिए, चेंज लाने के लिए टाइम चाहिए. इसी वजह से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से बॉडी के मोमेंटम में चेंज किसने किया, फोर्स ने. तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, जो आगे चल के आप देखेंगे मुख्तलिफ जगह हम अप्लाई करके दिखाएंगे, साइड बॉक्सेस करवाऊंगा, इंफॉर्मेशन करवाऊंगा. अब आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि एक फुटबॉल है, आप उसे किक करें, एक फुटबॉल को किक करें तब आपको ज्यादा दर्द होगी, या एक ईंट पड़ी है, एक पत्थर पड़ा है, उसे जोर से पांव से अपने टो के साथ हिट करें तब ज्यादा दर्द होगी. इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है. वजह मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, किस में क्यों ज्यादा दर्द होगी, किस में कम दर्द होगी तो क्यों होगी, वहां इसका क्या ताल्लुक है सर जी, तो ये सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो के एंड पर यही बात कहेंगे, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ. जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक इंपल्स पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े होंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.